हेलो क्रिकेट लवर्स, कैसे हैं आप सब। तो भाई ब्रेकिंग न्यूज़, इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और उसमें बहुत सारे सरप्राइजेस के पैकेज मिले हैं और कुछ प्लेयरों को बाहर का रास्ता दिखाया है। उस पर भी बात करेंगे, किस खिलाड़ी को मौके नहीं मिले। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है और उसे टीम में होना चाहिए था। तो सबसे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है वो आई है MS धोनी टीम इंडिया के मेंटोर बनने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, जो कि टीम इंडिया के मोरल को भी हाई करेगा, उनके कॉन्फिडेंस को भी बूस्टअप करेगा, जो कि इंडिया के लिए सबसे बेस्ट खबर मुझे लगी है। उसके बाद जो सरप्राइजेस लगे हैं, मैं आपको टीम इंडिया के स्क्वाड बता देता हूं और कौन से प्लेयर जो हैं वो स्टैंड बाय में रखे जाएंगे, जो कि प्लस पॉइंट है। क्या इंडिया ने कोई गलती करी ज़्यादा स्पिनर्स खिला के, या फिर इंडिया को अपने स्क्वाड में कुछ चेंज करने चाहिए थे। सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन, उसके बाद आपको KL राहुल, सूर्य कुमार यादव नज़र आएंगे, ऋषभ पंत, और उनके जो स्टैंड बाय सॉरी उनके जो सब्स्टिट्यूट हैं वो ईशान किशन है विकेट कीपर में। तो ये सबसे अच्छा चॉइस है कि यंगस्टर्स को लेकर आएँ। उसके अलावा हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट भी यहाँ पर है, जो कि हैं अक्षर पटेल, ये भी काफ़ी अच्छी चॉइस लगी मुझे। उसके बाद जो सबसे बड़ा धमाका का मुझे लगा है वो है रविचंद्रन अश्विन। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे या फिर एक्स्ट्राज में होंगे। तो टेस्ट में नहीं मौका मिल रहा है इनको, तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है, पर यह देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि अश्विन को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर बात कर जाए तो मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती पर भरोसा दिखाया है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, उसके बाद भुवी, मोहम्मद शमी, अक्षर पटेल, तो तीन पेसर रखे हैं और 3 से 4 स्पिनर रखे हैं। तो भाई यहाँ पर बात कर ली जाए, बहुत ही अच्छी चॉइस है यहाँ पर। और कुछ खिलाड़ी स्टैंड बाय में, श्रेयस अय्यर है, शार्दुल ठाकुर है, दीपक चहर है, ये तीन भी काफ़ी शानदार चॉइस है। अगर इन तीनों में स्टैंड बाय के जो भी खिलाड़ी हैं उनमें से एक भी खिलाड़ी टीम में होता है, इंडिया की बैटिंग लाइनअप और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके अलावा कौन खिलाड़ी टीम में नहीं है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ चुकी है, तो शिखर धवन और यजुवेंद्र चहल नहीं है, कुलदीप यादव नहीं है। तो कुलदीप यादव का तो चलो सब कह रहे थे कि वो उनको तो बिल्कुल ही बाहर कर देगा, परंतु चहल से उम्मीद थी कि चहल को टीम में रखा जाएगा। ये समझ नहीं है कि चहल को टीम से बाहर क्यों रखा है, बल्कि T20 में इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और वो इस वक्त टीम में नहीं है। काफ़ी शॉकिंग है ये। उसके अलावा नटराजन सिराज भी नहीं है, तो ये भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है इशू कि क्यों नहीं खेल रही है, तो काफ़ी बड़ा इशू है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपको इंडिया की टीम कैसी लगी, कितने हैप्पी आप इस टीम को लेकर, अपनी प्लेइंग 11 भी ज़रूर बताइए। उसके बाद हमको UAE के जितने स्टेडियम्स हैं और इंडिया का कहां कहां मैच होने वाला है, जैसे कि पहला पाकिस्तान से होने वाला है, क्या प्लेइंग 11 उतार सकती है इंडिया की टीम, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्रिकेट से जुड़ी अपडेट के साथ।